हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सबने इस वीक का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देख ही लिया होगा, जहां पर हमें काफी कुछ देखने को मिला, जैसे कि समर स्लैम के लिए यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा हमें दो न्यू चैंपियंस देखने को मिले और साथ ही साथ जो हेडलाइन रहे इस वीक की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, वो थी ब्रॉक लेसनर का असॉल्ट करना सेथ रॉलिंस के ऊपर। और गाइस, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर ब्रॉक लेसनर के द्वारा इतनी मार झेलने के बाद अब सेथ रॉलिंस की मेडिकल कंडीशन कैसी है। बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस रॉ में हमें कैसे हिंट मिला कि रोमन रेस आ सकते हैं समर स्लैम के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर में। इसके अलावा WWE का अगला सऊदी अरेबिया के इवेंट कब होने वाला है। तो गाइस, इन सब अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी अरेबिया के इवेंट के डेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हमें WWE का सऊदी अरेबिया में तीन इवेंट देखने को मिला था। पहला था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल, दूसरा था क्राउन जूल, इसके अलावा तीसरा था सुपर शोडाउन। और मैं जानता हूं आप में से कईयों को तीनों में से किसी इवेंट में मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमें अभी तक एक भी टाइटल चेंज देखने को नहीं मिला। अब इसमें WWE की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो टाइटल चेंज ऐसी जगह करवाती है जहां पर उन्हें फायदा हो, और वो सऊदी अरेबिया में चाहे टाइटल चेंज करवाए या ना करवाए उन्हें उतने ही पैसे मिलेंगे। अब WWE सिर्फ वही करती है जो सऊदी अरेबिया में इवेंट करवाने वाले डिमांड करते हैं, इसलिए हम सब देखते हैं वहां पर हमें मैचेस काफी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बात करें कि अब अगला इवेंट कब होने वाला है सऊदी अरेबिया का, तो आप सबको बता दूं कि वो होने वाला है रियाद में, जहां पर क्राउन जूल हुआ था, और उसकी डेट होने वाली है 1 नवंबर 2019। यानी कह सकते हैं अब इसे होने में लगभग 3 महीने बचे, और हम सब यही होप करते हैं कि इस बार ये इवेंट थोड़ा बेटर हो और हमें डिसअपॉइंट ना करे। तो गाइस, ये तो थी नेक्स्ट सऊदी अरेबिया इवेंट की डेट। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है कि आखिर इस मंडे नाइट रॉ एपिसोड में हमें कैसे हिंट मिला कि रोमन रेंस आ सकते हैं समर स्लैम के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, रॉ एंड में हमें एक काफी जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिला, जहां पर रोमन रेंस, उसोस, सेड्रिक अलेक्जेंडर एक तरफ रहते हैं और उनके अगेंस्ट रहते हैं ओसी के मेंबर लुक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन, समोआ जो एंड ड्रू मैकइंटायर। और हम सब देखते हैं एंड में रोमन रेंस की टीम स्टैंड टॉल करती है। अब बात करें कि आखिरकार हमें कैसे हिंट मिला कि रोमन रेंस आ सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीक मैंने आप सबको ये अपडेट दी थी कि वाइल्ड रूट के इवेंट में एक पेपर व्यू एडवर्टाइज किया जा रहा है, जो कि है ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर, और उसके लिए एक मैच को जो कि है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच। और मैंने आप सबको ये भी कहा था कि इसे सिर्फ हमें रूमर मानकर ही चलना चाहिए, क्योंकि अभी रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के आसपास भी नहीं भटक रहे। बट इस रॉ में हमें इसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ते हुए दिखी जब सेथ रॉलिंस को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था और रोमन रेंस उनके साथ साथ जा रहे थे। अब क्या पता हमें अगली बार ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जब फिर से ब्रॉक लेसनर अटैक कर रहे हो सेथ रॉलिंस पर, तब इस बार उन्हें वहां पर बचाने आ जाए उनके शील्ड ब्रदर रोमन रेंस। अब मैं फिर से कहूंगा कि इसे सिर्फ हमें अभी रूमर मानकर ही चलना चाहिए। तो गाइस, ये तो थी रोमन रेंस के समर स्लैम के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप पिक्चर में आने से रिलेटेड अपडेट। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है सेथ रॉलिंस के मेडिकल कंडीशन के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर का हमें एक काफी ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिला, जहां पर उन्होंने रिंग में तो सेथ रॉलिंस को सुप्लेक्स, F5, चेयर शॉट्स मारे ही मारे। इसके अलावा उन्होंने बैक स्टेज में उन्हें नहीं छोड़ा, यानी कि उन्हें एम्बुलेंस से निकाल कर उन पर एक और F5 लगाया, और हम सब ने देखा कि सेथ रॉलिंस के माउथ से ब्लड भी निकलने लगी थी। और कह सकते हैं कि इसके बाद जरूर सेथ रॉलिंस की हालत काफी ज्यादा खराब हुई होगी। लेकिन आप सबको बता दूं कि WWE ने जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट दी है, वो बस इतनी सी दी है कि सेथ रॉलिंस को हॉस्पिटल में ले जाकर ये चेक किया जा रहा है कि कहीं उनके किसी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि उन्हें कहीं कोई बड़ी इंजरी तो नहीं होगी। अब WWE ने तो हमें सिर्फ इतने ही अपडेट दिए, अब इसके आगे और कुछ अपडेट आती है तो वो मैं आप सबको दे दूंगा। इसलिए हम सब यही होप करते हैं कि सेथ रॉलिंस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि वो कम्पीट कर पाए अपने समर स्लैम में होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में। लेकिन गाइज, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सबको लगता है कि सेथ रॉलिंस समर स्लैम से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।